हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर आज हम रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जो है एक वेक्टर होगा यानी कि इसका एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा और ये जो वेक्टर है कोई भी वेक्टर हो उसको हम एरो के साथ डिनोट करते हैं तो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर को भी हम एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और इस एरो का लेंथ जो है वन अपॉन डीएचकेएल के बराबर होगा जहां पर डीएचकेएल जो है दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस है ठीक है सपोज ये हमारे पास दो प्लेन्स है उसके बीच में डिस्टेंस को हम डी एच के एल के साथ डिनोट करते हैं उसके इनवर्स का वैल्यू जो है वो होगा इस वेक्टर का लेंथ ठीक है या ये, ये जो वेक्टर है उसका मैग्नेट्यूड वन डिवाइडेड बाय डी एच के एल होगा और इसका डायरेक्शन जो है जो भी प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसका भी डीएचकेएल के एल हम कंसिडर कर रहे हैं, उससे नॉर्मल होगा उससे 90 डिग्री बनाएगा ये वेक्टर। तो डायरेक्शन जो है अपवर्ड्स की तरफ होगी ठीक है अब हमें पता है एक होता है रेसिप्रोकल लेटेस्ट और दूसरा है हमारा डायरेक्ट लेटेस्ट जो रेसिप्रोकल लेटेस्ट होता है उसका प्रिमेटिव प्रिमेटिव हमने पहले पढ़ा था डायरेक्ट लेटेस्ट में जिसमें इंटीजर्स होते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ ठीक है तो यहाँ पर जो प्रिमेटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है रेसिप्रोकल लेटेस का उसको हम डिनोट करते हैं ए स्टार बी स्टार और सी स्टार से और यहाँ पर ये वेक्टर भी आएगा ठीक है और ये जो प्रिमेटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है हमारे डायरेक्ट लेटेस्ट का जिसको हमने पहले पढ़ा है उसको हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ अब ए स्टार वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी और सी वेक्टर के साथ बी स्टार वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा सी और ए वेक्टर के साथ सी स्टार वेक्टर जो है कौन से दो टर्म्स बचे ए बी सी में ए और बी बचे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर मैं ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ कि परपेंडिकुलर होता है ठीक है सपोज ये हमारा डायरेक्ट है 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 और उसमें ये हमारा क्यूब है। यहाँ पर हमारा क्यूब पर ए वेक्टर डायरेक्ट लेटेक्ट है तो ए आएगा ये हमारा बी और ये हमारा सी ट्रांसलेशन वेक्टर है ना अगर हम ए सी वाले प्लेन को कंसिडर करे तो उससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होगा रेसिप्रोकल लेटे को रिप्रेजेंट करेगा इससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होगा वो रेसिप्रोकल लेटेस को रिप्रेजेंट करेगा और उसको हम बी स्टार के साथ डिनोट करते हैं तो ये होगा हमारा बी स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी और सी वेक्टर से यहाँ पर भी फिगर में दिखाया ये जो वेक्टर है वो हमारा रेसिप्रोकल लेटेस्ट का वैक्टर है और उसको हम ए स्टार वैक्टर के साथ डिनोट करते हैं तो ए स्टार वैक्टर जो है इस प्लेन से परपेंडिकुलर है तो उसी चीज को मैं यहाँ पर दोबारा लिखती हूँ ए स्टार वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ बी स्टार वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और सी वेक्टर से सी स्टार वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर से तो ये है हमारा बी वेक्टर और सी वेक्टर वाला प्लेन उससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उसको हम कहते हैं ए स्टार वैक्टर तो वो जो है बी वैक्टर और सी वैक्टर से परपेंडिकुलर होगा ठीक है और यही हमें रेसिप्रोकल लेटेस्ट देगा इसके एंड पर जो हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे ए स्टार वैक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वैक्टर जो है वो ए स्टार बी कोस 90 डिग्री के बराबर होगा और कोस 90 डिग्री जो है वो जीरो मिलेगा तो ए स्टार डॉट प्रोडक्ट बी वैक्टर जो है वो जीरो के बराबर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ठीक है और उसी तरीके से ए स्टार जो है वो सी वैक्टर से परपेंडिकुलर है तो ए स्टार वैक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वैक्टर जो है वो ए स्टार सी कोस नाइनटी डिग्री के बराबर होगा और यहां पर जो कोस 90 डिग्री है वो जीरो होता है तो हमें जो है जीरो मिलेगा और उसी तरीके से बी जो है वो परपेंडिकुलर तो भी जीरो होगी और उसी तरीके से सी स्टार वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर से इसलिए सी स्टार डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर होगा और सी स्टार डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर होगा डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है और थीटा यहाँ पर नाइन्टी है cos 90, 0 होता है इसलिए जीरो आया है ठीक है ना हम ए नैक्टर जो सेम से वैक्टर है, product, करते हैं ठीक है तो ए वेक्टर और ए स्टार वेक्टर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे हमें यहाँ पर फिगर में भी क्लियरली नजर आ रहा है ठीक है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड ए स्टार का मैग्नीट्यूड कोस जीरो डिग्री आएगा और कोस जीरो डिग्री जो है वो बराबर होता है वन के तो a का मैग्नीट्यूड और a स्टार का मैग्नीट्यूड हमें डॉट प्रोडक्ट में एज एन आंसर मिलेगा तो ये हमारा b वेक्टर c वेक्टर और a वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में हमारा a स्टार वेक्टर भी होता है ठीक है इस प्लेन से परपेंडिकुलर है अब यहाँ पर ये जो दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस है वो dhkl है जो कि हमारा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ओके okay. और यहाँ पर जो हमारा ए स्टार वेक्टर है वो नॉर्मल है जिसका डिस्टेंस वन अपॉन डी एच के एल के बराबर होता है बीसी प्लेन से तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अपॉन डी एच के एल तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू पाई अपॉन डी एच के एल ये हमने पहले किया था अब यहाँ पर डीएच के एल जो है दोनों में प्रेजेंट है तो हो जाएगा कैंसल हमें मिलेगा टू पाई तो ए वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ए स्टार वैक्टर जो है वो टू पाई के बराबर होता है उसी वे में जो बी वैक्टर डॉट प्रोडक्ट बी स्टार वैक्टर और सी वैक्टर डॉट प्रोडक्ट सी स्टार वैक्टर जो है वो टू पाई के बराबर होता है ठीक है अब यहाँ पर जो ए स्टार वैक्टर है वो परपेंडिकुलर है प्लेन बी और प्लेन सी से। ठीक है हेंस तो यहाँ पर क्या होगा जो ए स्टार वेक्टर है वो इक्वल होगा ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के ये क्यों अब यहाँ पर देखो ये जो ए स्टार वेक्टर है वो बी और सी वाले प्लेन से परपेंडिकुलर है तो सपोज करते हैं ये हमारा बी वेक्टर है ये हमारा सी वेक्टर और ये हमारा बी सी का प्लेन होगा ठीक है बी क्रॉस प्रोडक्ट सी जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन से जो बी वेक्टर और सी वेक्टर प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होता है बी क्रॉस सी का रिजल्ट जो वेक्टर हमें रिजल्ट में मिलेगा ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में किया होगा और ए स्टार वेक्टर भी जो है इसी प्लेन से परपेंडिकुलर है यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना हमें मैग्नीट्यूड का पता नहीं ठीक है बी क्रॉस सी और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या नहीं इसलिए हमने इस ए टर्म को यूज किया है जब हम इस ए टर्म को यूज करेंगे तो हम उसी नंबर को यहाँ पर लिखेंगे जो कि मैग्नीट्यूड को दोनों के वैल्यू को बराबर बनाएगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं ठीक है तो ए ए स्टार जो है वो बी क्रॉस सी वेक्टर के बराबर आएगा और यहाँ पर ए क्या है ए जो है वो एक स्केलर मल्टीपल है ठीक है एक नंबर है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है डायरेक्शन होता तो बी क्रॉस सी और ए का जो प्रोडक्ट होता है उससे जो वेक्टर मिलता है उसके डायरेक्शन को हमें कंसिडर करना पड़ता है इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है है ये एक नंबर जो कि ए स्टार वेक्टर वेक्टर और बी क्रॉस सी को इक्वल बनाएगा फिर ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है इक्वेशन नंबर सेकेंड को हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है ए स्टार वैक्टर के जगह पर हमें पुट करना है ए बी वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वैक्टर इज इक्वल टू टू पाई इसी ए को रखना है बाकी के जो टर्म्स है वो डिवाइड में आ जाएगा तो ए वैक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी जो है वो हमें मिलेगा और ए जो है इस टर्म के इक्वल होगी ठीक है ए को रखा है बाकी टर्म्स को मैंने डिवाइड में लिखा है और ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है इक्वेशन इक्वेशन नंबर थर्ड इन हम इस को वाले इक्वेशन में पुट करेंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या मिलता है ए स्टार वेक्टर जो है वो बराबर होगा एक ही जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे टू बाई ए वैक्टर डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी वैक्टर इन टू बी क्रॉस सी वैक्टर जो है वो हमें मिलेगा तो यही हमारा आंसर है ए स्टार वेक्टर का और इसी वे में हमें बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर भी मिलेगा बी स्टार वेक्टर जो है वो इतना होगा और सी स्टार वेक्टर भी हमें सिमिलर वे में मिलेगा क्या करना है हमें बी स्टार वेक्टर निकालने के लिए बी डॉट बी स्टार वेक्टर इज इक्वल टू टू पाई करना है और निकालना है आंसर और सी स्टार वेक्टर भी इसी सेम वे में हमें मिलेगा जो कि मैं बाद में बुक में दिखाऊंगी ठीक है अब यहाँ पर जो डायमेंशन है वो क्या होगा हमें पता है कि ये जो वेक्टर है उसका लेंथ वन अपॉन डी एच के एल है डी एच के एल क्या है एक डिस्टेंस है एक लेंथ है तो वन अपॉन लेंथ जो है वो इसका डायमेंशन होगा अब ये एक चीज भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास एक यूनिट सेल है जो कि रेसिप्रोकल लेटेस्ट के पॉइंट्स ने बनाया है रेसिप्रोकल लेटेस्ट में यूनिट सेल है हमारा तो उसका वॉल्यूम जो है वो जो डायरेक्ट लेटेस्ट में यूनिट सेल होता है उसके वॉल्यूम के इनवर्स डिवाइड में जो वॉल्यूम है उसके बराबर होता है ठीक है ये एक प्रॉपर्टी है हमारे रेसिप्रोकल लेटेस्ट के वॉल्यूम का तो यहाँ पर रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर दिया है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर है यानी कि वन अपॉन डी एच के एल के बराबर है और उसका डायरेक्शन जो है वो पैरल है नॉर्मल टू एच के एल प्लेन जो हमारा एच केएल प्लेन होता है उससे जो नॉर्मल है उससे पैरल है उसका डायरेक्शन तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल लेटेस्ट जो प्रिमिट ट्रांसलेशन वैक्टर होता है रेसिप्रोकल लेटेस्ट का वो है ए स्टार वैक्टर बी स्टार वैक्टर और सी स्टार वैक्टर और जो डायरेक्ट लेटेस्ट है उसका प्रिमेटिव ट्रांसलेशन वैक्टर है वो है ए वैक्टर बी वैक्टर और सी वैक्टर और उनके बीच में एक सिंपल रिलेशन होता है जो रेसिप्रोकल लेटेस्ट का वैक्टर है वो नॉर्मल होता है बी और सी वैक्टर से ए स्टार रेसिप्रोकल लेटेस्ट ठीक है और उसी तरीके से बी स्टार नॉर्मल होता है सी और ए वैक्टर से सी स्टार नॉर्मल होता है ए और बी वैक्टर से तो इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए स्टार डॉट प्रोडक्ट बी तो जीरो आएगा क्योंकि में है है जो वो होगा ठीक और उसी तरीके से बी स्टार डॉट प्रोडक्ट ए जीरो होगी सी स्टार डॉट प्रोडक्ट ए जीरो होगी सी स्टार डॉट प्रोडक्ट बी भी जीरो होगी ए डॉट प्रोडक्ट ए स्टार बी डॉट प्रोडक्ट बी स्टार और सी डॉट प्रोडक्ट सी स्टार जो है वो टू पाई के बराबर होगा अब ए स्टार जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन बी और सी से तो हम ए स्टार को ए बी क्रॉस सी करके लिख सकते हैं क्योंकि बी क्रॉस सी और ए स्टार दोनों का डायरेक्शन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड को ये जो कैपिटल ए है वो इक्वल बनाता है ठीक है उस ए स्टार का वैल्यू ऊपर हम इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर साय नहीं आएगा ठीक है मिस प्रिंट हुआ होगा इस बुक में बहुत सारे चीजें मिस प्रिंट हुई है अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में बताना कि साई का मतलब क्या है और हम पुट करेंगे पुट करने के बाद ए निकालेंगे फिर ये जो ए का वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ए स्टार का वैल्यू मिलेगा उसी तरीके से बी स्टार और सी स्टार का भी वैल्यू मिलेगा यहाँ पर बी और सी होगा और जो डायमेंशन होता है, होता है है रेसिप्रोकल लेटेस्ट का का स्टार 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 वो इनवर्स हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट पी है ये रो नहीं पी है ठीक है क्रिस्टल लेटेस्ट में डायरेक्ट क्रिस्टल लेटेस्ट में तो पी वैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एम ए वैक्टर प्लस एन बी वैक्टर प्लस पी सी वैक्टर

लेटेस्ट वेक्टर जो है वो नॉर्मल होता है डायरेक्ट लेटेस्ट के किसी प्लेन से जो यूनिट सेल होता है, है, proportional है रेसिप्रोकल और हर पॉइंट रेसिप्रोकल लेटेस्ट पे एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट लेटेस्ट में ठीक है सेट ऑफ पैरल प्लेन पैरल प्लेन्स होंगे डायरेक्ट लेटेस्ट में उसको रिप्रेजेंट करता है रेसिप्रोकल लेटेस्ट तो वही लिखा है यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा है अभी तक जो स्पेसिंग होता है डी एच के एल नॉर्मल प्लेन क्रिस्टल लेटेस्ट का वो जो है अपॉन बन जाता है रेसिप्रोकल में तो इसका मतलब क्या है है इसका मतलब है कि एक नॉर्मल यहाँ पर नॉर्मल नाइन्टी डिग्री नहीं है नॉर्मल सिंपल ठीक है क्रिस्टल लेटेस्ट में डिस्टेंस जो है वो डी एच के एल होता है जबकि रेसिप्रोकल लेटेस्ट में जो डिस्टेंस है स्पेसिंग है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तरफ वो होगा वन अपॉन डी एच के एल तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो डिवाइड में ABC है ए ए ए वेक्टर नहीं ठीक है और उसी तरीके से यहाँ पर टू पाई दिया है टू पाई के ऊपर लैमडा नहीं टू पाई के ऊपर साई सिंबल नहीं है तो बुक में मिस प्रिंट हुआ होगा और जो क्रिस्टल लेटेस्ट है ठीक है वो रियल स्पेस में होता है जो नॉर्मल स्पेस होता है जबकि रेसिप्रोकल लेटेस्ट जो है वो रेसिप्रोकल स्पेस में होता है जिसको हम फोरियर स्पेस भी कहते हैं और यहां पर जो प्रॉपर्टीज है रेसिप्रोकल लेटेस्ट का वो दिया है बुक में से समझ में नहीं आया तो आप यहां से कर सकते हो तो यही है आज का हमारा टॉपिक रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटेस्ट के बारे में